अब चक्कर धारण करना पड़ेगा और वहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं। ये अपन ने सेल्फ, ये कंडीशन देख लीजिए। ओए पत्थर आ रहे हैं यार, ये पत्थर आ रहे हैं गाइस यार, ये ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, मतलब वो जो जानवर है ना एकदम से भागते हुए जा रहे हैं। तो गाइस लैंडस्लाइड हो रहा भाई, पत्थर देखो कितने सारे आ गए और अभी भी थोड़े थोड़े पत्थर गिर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, ये देख रहे हो अभिनव क्या करने गया है। देखो ये सीढ़ियाँ हैं और ये ऊपर चढ़ना, एकदम खड़ी सीढ़ियाँ है और इधर से व्यू देख लो भाई। चलो चढ़ते ऊपर, और क्या है नहाने के पानी तो यहाँ पर आपको पता मिलता नहीं है, तो ये भाई पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट करूँगा मुँह हाथ धोऊंगा आज भी भाई, चौथा दिन हो जाएगा और ये कोई लाइट भी नहीं आती, जनरेटर चल रहा है और भाई रहे। मॉर्निंग, ये भाई साहब इस तरह से सिस्टम था। गुड मॉर्निंग, लो भाई लो कर लो पेस्ट। क्या कर ले, यहाँ पर ऐसे पानी गर्म करते हैं है कि नहीं, इस तरीके से पानी गर्म होता है क्योंकि, और ये सोलर वगैरह लगा तो रखा, जनरेटर भी रखा हुआ है, पानी जम जाता है ना यहाँ पे तो कुछ काम नहीं होता, पाइप लाइन फ्रीज हो जाती है, तो इस तरीके से सूर्य का गोला बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, चंद्रमा अपनी चांदनी समेट रहा है और हमें अब अपना चक्कर धारण करना पड़ेगा। कृष्ण अपने सुदर्शन यहीं छोड़ जाते हैं। अब चक्कर धारण करना पड़ेगा और महादेव वहां बैठे हैं, हमें अपनी ओर बुला रहे हैं, हमारे हैं चक्कर के साथ। आजा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए जल्दी कर ले बादशाह, मेरे को भी करना मुँह हाथ धोना, जल्दी कर ले बादशाह, देख लो कर। वहीं बैठे हैं हमारे महादेव, आ रहे हैं हम। क्या है? क्या कह रहे हो? जब दो डब्बों में काम हो सकता है। अच्छा तो एक बार मुंह हाथ धो के नहा लो तेरी खोपड़ी। बजकर 36 मिनट हो गए, गाड़ी की हालात देखो यार, मतलब बर्फ में स्नो में है लेकिन गाड़ी के देखो कलर ही बदल गया भाई, ऐसे लग रहा कि समझ में नहीं आ रही कि अपनी गाड़ी है क्या। चलते हैं यहाँ से, अभी स्टार्ट करते हैं। रात को माइनस में 8 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे, बाकी दिखा तो कुछ रात ही दिखा कुछ नहीं रहा था क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है तो क्या दिखाएगा। अभी इन वादियों को अपन बाय करेंगे, आप एक बार फिर से व्यू का नज़ारा देख लीजिए, मतलब इस व्यू को, इस नज़ारे को अपने आंखों में कैद कर लीजिएगा, मैं कैमरे में कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ये देख लीजिए। बाकी रास्ते में तो फिर से व्यू जाएंगे ही, तो चलो भाई निकलते अपन यहाँ से और अब जहाँ पर नेटवर्क आएगा उसके बाद प्लान करेंगे कि कहाँ जाएंगे, काजा जाएंगे या वापस बैक टू शिमला। तो भाई यहाँ से एंट्री मार रहा हूँ तुम्हारा भाई, जगह मिल जाएगी तो देखो कितनी जगह में, और यार नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, पूरा गंदा हो जाऊंगा। तो भाई चलो कर लेते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं अपने दोनों को क्या होता है। और ये अपन ने सेल्फ, ये कंडीशन देख लीजिए। ओ हो, वन सेल्फ में तो नहीं हुई, अरे बाजा बंद हो। हो गई भाई, हो गई, सेकंड सेल्फ में हो गई भाई, बैठ जा बिना आजा, अच्छा बैठो 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 भाई, ये बैठो। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब निकलते हैं 9:44 जय बजरंग बली, जय हिंद जय भारत। चलो भाई चलो, बर्फ में लेंगे मजे, आगे कई रास्ते में रोक के बनाएंगे अच्छी अच्छी रील्स, और रील्स देखनी हो इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सुबह उठते खाने लग गए गोली ब्रेकफास्ट, फिर बनाएंगे कुछ तो अब लेते भाई, और हमारा डाटा भी ट्रांसफर नहीं हो रहा भाई लैप में। देखो टेम्परेचर दिखाऊं यहाँ पे अपनी गाड़ी का, टेम्परेचर देख लो जीरो, मतलब सुई एकदम नीचे है, आरपीएम ऑटोमेटिक तेज हो रखे है, तो भाई गाड़ी इस तरीके से परफॉर्म कर रही है दोस्तों, देख लेना धन्नो है अपनी, है ना, और कोई दिक्कत आएगी तो आगे बताएंगे। बाकी अब मेरे को लगता है थोड़ी देर इसको टेम्परेचर अब बढ़ गया, देखो अब आ गया डंडी थोड़ी ऊपर। अब निकलते हैं यार यहाँ से, निकलते हैं इन वादियों को बाय बाय करते हुए।
ये वाला जो स्टे था भाई, यहाँ पर हम होम स्टे में रुके थे, ये सामने जो को जो बर्फ पड़ी हुई है ना ये, और जिसमें सामने गाड़ी लगी हुई है, ये एक गटूक होम स्टे है। काफ़ी अच्छा होम स्टे है भाई। यहाँ पे प्रॉब्लम तो सभी होम स्टे में एक ही आने वाली है कि आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा, सॉरी, क्योंकि अब नल में पानी बंद हो जाता है, तो ये गर्म पानी अपने हिसाब से करके दे देते हैं आपको। बाकी अच्छे रूम्स थे, अच्छा टॉयलेट सब अच्छे थे। और यहाँ पर देखो घास जो छत पे रखी हुई है, ये स्टोर करके रखते हैं पूरे एक सीजन के लिए, तो इनको बहुत डर लगता है क्योंकि इनकी छतें भी घास से ही बनी हुई होती हैं, तो इनको डर लगता है कि आग वगैरह बॉनफायर करते हो तो इनकी कहीं आग ना जल जाए, पूरी आग घर नहीं जल जाए, तो इसलिए ये बॉनफायर थोड़ा आउटर एरिया में ही करने देते हैं, होम स्टे में अलाउड नहीं है। बाकी बहुत अच्छा स्टे रहा यार हमारा, और हमारी जो खिड़की से ये सारा व्यू आ रहा था जो अभी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये सारा व्यू हमारी विंडो से आ रहा था, और ठंड बिल्कुल भी नहीं लगी यार रात को। इनकी रजाइयाँ इतनी ख़तरनाक होती है ना, ठंड लगती ही नहीं है। और ये है, अगर आपको आना हो तो यहाँ पर आप मद विलेज में आ सकते हैं, सेल्फ कुकिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर है। चलिए तो अब यहाँ से मैं बार बार ये कह रहा हूँ निकलते हैं, तो निकलते ही है बस अब, है ना भाई लोगों की आगे गाड़ी है, वो निकलते हैं तो फिर अपन निकलेंगे। वाइपर चला के देखें क्या पानी जमा तो नहीं है। यार पानी जम गया भाई, पानी जम गया, आ ही नहीं रहा इसमें से, पानी जम गया भाई। ठंड में यार ये गियर भी ना थोड़ा टाइट हो रखे हैं भाई, मतलब एकदम टाइट से हो जाते हैं ना, वैसे हो रखे हैं। बाकी वैली आ गई है भाई, व्यू देखने के चलिए, लास्ट है ये यहाँ की वैली का। बाकी काजा में तो बर्फ वगैरह है ही नहीं, स्नो तो है ही नहीं, सूखे पहाड़ है, और नेटवर्क यहाँ पे नहीं है। बार बार क्या बताऊँ इस बारे में यार, क्योंकि नेटवर्क के बिना हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म है। यहाँ के लोग पता नहीं कैसे रहते हैं भाई, एडवेंचर से भरी हुई ज़िंदगी भाई। हमारे लिए तो डबल कैंपिंग हो गई यहाँ, होम स्टे में रुके तो सही, लेकिन यहाँ पर कैंपिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइट भी यहाँ पर नहीं चली जाती है, तो जनरेटर है इनके पास छोटा वाला, तो वो भी थोड़ी देर में बंद कर देते हैं, मतलब पानी नहीं है। बाथरूम में बस सिर्फ एक ये हुआ था कि चार दीवारी है हमारे पास, और नहीं था कुछ, और कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। बाकी तो अपने पास भी है गैस वगैरह, तो अपन खाना तो अपन ने खुद नहीं बनाया, सिर्फ यहाँ पर रुके थे रात को, तो काफ़ी अच्छा रहा। और आपने भी देखा होगा पूरा व्लॉग, अब पहाड़ देख लीजिए, आगे रील बनाएंगे अच्छी अच्छी। रात को बर्फ जम गई थी यार यहाँ पे, नलके भी जम हो गए थे, जब बोलते हैं इसके ठूठियाँ पाइप जाम हो चुके थे, तो पानी नहीं आ रहा था रात को। शाम को तो आ रहा था जब हम आए थे, लेकिन सुबह बंद जाम। और ये फ्रोजन झील फिर से देख लीजिए, फ्रोजन भाई, लैंडस्लाइड हो रहा भाई, पत्थर देखो कितने सारे आ गए, और अभी भी थोड़े थोड़े पत्थर गिर रहे हैं। जल्दी भाई अपने को इस एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा, वरना क्योंकि जगह जगह पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं ना, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ कहाँ से पत्थर आ रहे हैं यार, ऊपर से कभी भी आ जाते हैं। We'll be right back.
पहाड़ी हिरण दिखाऊं आपको, वो देखो ऊपर हिरण है या क्या है, क्या है वो देखो ऊपर, एक दो नीचे है, एक दो नीचे भी है देखो सामने। ओए ओए पत्थर आ रहे हैं यार, ये पत्थर आ रहे हैं गाइस, यार ये ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, मतलब वो जो जानवर है ना एकदम से भागते हुए जा रहे हैं तो पत्थर आ रहे हैं, तो ये है ना बड़ा रिस्की एरिया रहता है यार इस चक्कर में। नीचे अभी अचानक से गया वो पहाड़ी, अपने अगर कैमरे में जूम में आया होगा तो पहाड़ी वो थे बकरी टाइप की होते हैं ना, तो सींग तो हिरण जैसे। भाई ये बर्फ चेक करो यार, पूरा रोड पे बर्फ जमी हुई है, ये अनसीन जगह है भाई, अनएक्सप्लोर्ड, हर लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, ज़्यादातर लोग काजा चले जाते हैं, मैं आया हूँ यहाँ पर मध विलेज है ये भाई, पूरा अनएक्सप्लोर्ड है, आप लोग आ सकते हैं भाई, और तुम्हारे भाई के एफर्ट्स के लिए आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यार, कितने एफर्ट्स लग रहे हैं यार, यहाँ पे कोई सर्वाइवल नहीं है भाई, नो नेटवर्क सब कुछ भी नहीं है भाई, ना पानी ना कुछ और कुछ भी नहीं है भाई, पानी जम जाता है, पीने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा, पानी भी नहीं पिया ठीक से, अब जाके आगे रास्ते में काजा के आसपास कुछ मिलेगा तो बनाएंगे यार भाई, बाकी मज़ा खूब आ रहा है यार। बर्फ पे चढ़ा दिया अपन ने अपना टायर, और ये लोकेशन चेक करो भाई, ये चेक करो, अभी आए हम सेल्फी पॉइंट पे, ये वाला ब्रिज है, और ये लोकेशन देख लो भाई चारों तरफ, और अब इस व्लॉग को एंड कर देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया होगा, और यहाँ पर रील्स बनाएंगे और इसके बाद का खाना नाश्ता भी बनाएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करवाओगे, सब्सक्राइब करो, घंटा दबा दो, और इस ब्रिज पे आओ आप, और ये भाई साहब पूरा झूल रहा हवा में, दो तीन लोग एक साथ चले जाए तो खत्म है कहानी, चलो यार नेक्स्ट व्लॉग में देखना आप जल्दी से यार, नेक्स्ट व्लॉग में।